हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं दमस प्लेयर, आप देखो दमस प्लेयर। स्वागत है आपका एक ताज़ा तर्रीन नए वीडियो में। एंड यप, पिछली वाली वीडियो में मैंने नेदरराइट पे अपग्रेड किया एंड देन कुछ हादसा हुआ। हादसा वीडियो में बताऊंगा अगर मन हुआ तो। एंड आई एम अगेन बैक टू डायमंड, बट कोई बात नहीं है। अभी इस वाले एपिसोड में बहुत सारा अपडेट देना है। एंड पीछे तुम लोग देख रहे हो थोड़ा सा बिल्डिंग का काम चालू है, एंड उस बिल्डिंग को पूरा बिल्ड आउट करना है। बहुत कुछ करना है इस वाली वीडियो में। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एंड तक देखना, मस्त आया तो लाइक कर देना। एंड बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड याद रखो, थोड़ा सा शेयर किया गया रहो वीडियो को। अगर तुम सब लोग एक 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 शेयर भी करोगे ना, एंड 40 व्यूज़ आते हैं, एंड एक शेयर करते हो तो भाई वो 80 व्यूज़ हो सकते हैं। सो इट वुड बी टू मच फॉर मी। अगर दिल करे तो भाई भाई समझ के शेयर कर देना, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो इस बिल्ड में जाने से पहले मैं थोड़े बहुत तुम लोगों को अपडेट्स देता हूँ कि क्या क्या किया है मैंने। सबसे पहले तो जो मेरा पोर्टल था उसको मैंने 3 पोर्टल वाला गोल्ड फार्म कर दिया, बिकॉज आई नीड गोल्ड। आई एम प्लानिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट सोच के रखा है मैंने। एंड यहाँ पे मैं तुम लोगों को इस बिल्ड का ज़रा पैलेट भी, मतलब इसका मैं टाइम लैप्स भी जाने वाला हूँ, तो ज़रा पैलेट दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा स्टोन ब्रिक। ये जो तुम लोग देख रहे हो ये पॉलिश्ड एंडेसाइट है, जिसको कि मैंने रीटेक्चर करके ब्रिक वाला टेक्चर दिया है। मतलब बिना टेक्सचर के भी ये अच्छा ही लगने वाला है, बिना टेक्सचर के भी अच्छा लगेगा, एंड विथ दिस टेक्सचर ये और ज़्यादा अच्छा लगता है। कोबलस्टोन स्टोन एंड एंडेसाइट, 5 ब्लॉक्स का जो पैलेट है वो मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है। हल्का सा ग्रेडियंट देने की कोशिश की है नीचे से ऊपर जाते वक्त, मतलब ऊपर का जो टेक्सचर है वो थोड़ा ज़्यादा प्लेन है, नीचे का थोड़ा बिजियर टेक्सचर है। आई होप कि बस अच्छा लगे लास्ट तक। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने थोड़ा सा और जो है काम किया हुआ है। इधर तुम लोग एक देख सकते हो कि मेरे पास है एक ये प्लेटफॉर्म। एंड भाई कभी कभी ना मेरा इलाइट्रा बहुत बग करता है। यहाँ पे ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये तुम लोग देख सकते हो, यहाँ मैं बनाने वाला हूँ अपना जो स्क्विड फार्म है। स्क्विड फार्म का जो डिज़ाइन है वो इस वाले एपिसोड में ऑफकोर्स नहीं बनाएंगे, इस वाले एपिसोड में हम लोग बिल्डिंग ही करने वाले मेनली। बट मैं दिखा दे रहा हूँ, मतलब जो जो हम लोग आगे इसके बाद करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया है एक छोटा सा ब्रीडर, जो कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये जो डिज़ाइन है इसको एक्चुअली डेकोरेट करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेकोरेट होने वाली है। एंड वाओ, आई एम सो पिरोएट फ्लाइंग, मतलब इतना अच्छा कूद के फिर मैं पानी में गिर गया, रहने दो। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी ज़्यादा बेड्स नहीं लगाए ऊपर, जितने ज़्यादा बेड्स लगाऊंगा उतने ज़्यादा विलेजर्स आएंगे एक्चुअली। बट यहाँ पे फिलहाल के लिए जो है 4 विलेजर्स हैं, जिनमें से कि 2 बड़े हो चुके हैं, एंड शायद मुझे इनको यहाँ से निकाल लेना चाहिए, बिकॉज वरना ये नेटवर्ट्स बन जाएंगे। वेल आई डोंट केयर, मुझे अगर मानना ही पड़े, बिकॉज आई हैव अ ब्रीडर नाउ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बारे में। एंड अभी तो फिलहाल हम लोग चलते हैं। एंड हाँ, याद आ गई मुझे एक बात। पिछले जो स्टंबल गाइड्स वाली वीडियो थी उसमें हमारे रचित भाई ने एक मैसेज किया, कमेंट किया था कि भाई आपका लेट्स बिगिन सुन के ऐसा लगता है कि, एंड वो कैसा लगता है कि, ये बात रचित भाई के कमेंट के साथ ही गुप्त रह गई, क्योंकि रचित भाई का कोई कमेंट गायब हो चुका है। एंड मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैंने डिलीट नहीं किया, ऑफकोर्स सच बता रहा हूँ। भाई रचित भाई अगर आप देख रहे हो फिर से कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट चलते हैं हम लोग बिल्डिंग में, लेट्स गो। तो ये देख सकते हो, हाँ मैं टाइम लैप्स नहीं बना रहा, रीज़न है यार लॉकडाउन चल रहा है, मम्मी से फ़ोन ले लूँगा, मम्मी भी सारा दिन क्या करेंगी बिना फ़ोन के, तो इसलिए मैं नहीं लेता हूँ।
एंड थोड़ा बहुत फ्रंट फर्स्ट पर्सन टाइम, मेरे को ये फ्रंट पर्सन बोलने की बहुत गंदी आदत लगी, फर्स्ट पर्सन टाइम लैप्स एंड थोड़ा थोड़ा बीच बीच में दिखाता रहता हूँ। एंड वैसे भी इसका टाइम लैप्स बनाना ही बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इनमें जो टेक्सचरिंग होती है ना रैंडम, एक्चुअली बोलना आसान है रैंडम, लेकिन करना मुश्किल होता है रैंडमिंग, रैंडम जो भी समझ जाओ। एंड ये जो टेक्सचर है मेरे को अच्छा सा लग रहा है, मतलब बहुत ही प्यारा सा है, एक हल्की डिटेलिंग है इसमें, ये बहुत ही अच्छा सा फील दे रहा है इस चीज़ को। एंड अगर मैं ऊपर से दिखाऊं तो ये देख सकते हो यहाँ मैंने कुछ इस तरीके से किया है, मतलब यहाँ पे दो छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं जिसमें कि जिससे कि मतलब थोड़ी नेचुरल लाइटिंग आ सके बाहर से, मेरे को ऐसी नेचुरल खिड़कियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से मैंने दोनों साइड पे ऐड किया है। और ये इस वजह से भी कि मतलब ये जो रूफ है, इस रूफ को एकदम नॉर्मल सा लुक, अगर मैं देखो नॉर्मली अगर मैं पीछे से तुम्हें दिखाता हूँ तो पीछे से तुम लोग देख सकते हो कितना नॉर्मल है, लेकिन उसी नॉर्मल से चीज़ को तोड़ने के लिए ना ये चीज़ बहुत काम आती है कि ऐसे अगर छोटी छोटी खिड़कियाँ लगा दो या फिर इस तरीके से तुम इन दोनों रूफ्स को मर्ज कर दो, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आ जाती है। या फिर तुम ऐसे जैसे कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मैं थोड़ा सा करके तुम लोग बताता हूँ कि एकदम जैसे कि ये पूरी प्लेन रूफ है तो तुम क्या कर सकते हो, कहीं कहीं से मतलब कहीं कहीं से ऐसे एक दो ब्लॉक निकाल के ये ऐसे ब्लॉक्स लगा सकते हो। तो इससे क्या होता है जो इवेनिटी होती है ना, मतलब कि एकदम प्लेन एकदम बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बिल्ड को भी एक हल्की सी डिटेलिंग और एक डेप्थ मिल जाती है जो कि मतलब अच्छा सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है ना मतलब हाँ एकदम नॉर्मल नहीं है, बंदे को बिल्डिंग आती है, ये फील देता है। तो इस चीज़ का तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो, मैं अभी थोड़ा सा और डिटेलिंग करूँगा। इसके सिवाय अभी जो ये हमारे दोनों टावर्स हैं इनके ऊपर थोड़ा सा वॉच टावर टाइप बनने वाला है, वॉच टावर तो नहीं एक्चुअली विच टावर टाइप बनने वाला है ये, तो देख सकते हो यहाँ से मैंने इसको, इस वाले टावर को तो मैंने चारों तरफ से बना दिया है बट ये वाला टावर अभी दो तरफ से खुला हुआ है, इसको भी यहाँ से बनाना है। एंड यहाँ पे हमारा जो ये टावर्स के अंदर जो है हमारा स्टोरेज सिस्टम बनने वाला है वैसे भी, तो देखते हैं अभी अंदर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने छोटी सी एक एंट्रेंस बनाई है एंड ये पूरी इनकी दीवारें भी मैंने ऐसे रैंडम से लगाई हैं जो कि मुझे देखने में कसम से बता रहा बहुत प्यारी लग रही है, मतलब अगर मैं HUD हाइड करके तुम लोगों को दिखाऊं तो लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। अगर मैं थोड़ा सा कंसल्टेशन लूँगा, सलाह मशवरा करूँगा, अगर मतलब ये पूरी पूरी दीवार ऐसी ना रख के मैं बीच में अगर लगता है ऐसा लॉग्स डालने की ज़रूरत लगती है तो थोड़े बहुत लॉग्स डालूँगा जिससे कि थोड़ा मतलब बेटर टेक्सचर आए मे बी, एंड देखते हैं। तो अभी मैं इनको ज़रा पूरा कर लेता हूँ, इसके ऊपर वाला कोनिकल टावर्स, इनके कोनिकल टावर्स का ना अगर तुम लोगों को अलग से ट्यूटोरियल चाहिए हो कि कैसे बनाते हैं कोनिकल टावर्स तो कहीं बताना, मैं छोटा सा मतलब एक ट्यूटोरियल बना दूंगा 4-5 मिनट का जिसकी वहाँ भी है। तो ये वाला टावर जो है वो थोड़ा नाटा है, बट्टी वाले जो टावर है ये ज़्यादा कोनिकल होंगे, मतलब थोड़े हाइट में लंबे होंगे, इस तरीके के टावर्स बनाने हैं। तो ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना फिर से इनको। ओके सो फाइनली हमारा जो मेन एंट्रेंस है वो बन चुका है, ठीक है। एंड हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है, ख़राब तो नहीं बोलूँगा, देखो ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ऑफकोर्स देखो अच्छा तो ये बना है, इस चीज़ में कोई मना ही नहीं कर सकते, ये बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ी थोड़ी कमियाँ जो मुझे अभी लग रही है, मैं सीरियसली अपने बिल्ड में पहले तो सबसे पहले तो कमियाँ बताता हूँ कि एक साइड जैसे ये वाला साइड देख रहा है ना एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इस पूरे वर्ल्ड का एक पार्ट है, मतलब ये वैसे इंग्रेव हो रहा है, लेकिन और सब साइड्स पे लाइक ये वाला जो टावर है, ये वाला टावर ऐसा लग रहा है ना बस उठा के यहाँ पे रख दिया है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा फिक्स करेंगे, मे बी रैच बॉय या फिर बीबा या किसी की मैं थोड़ी सी हेल्प लूँगा। मैंने रैच बॉय को करते हुए देखा, उसका भाई बिल्डिंग वगैरह मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब वो ये सब मतलब थीम वगैरह बहुत अच्छा कर लेता है, तो उससे मे बी मैं थोड़ी सी हेल्प लूँगा। एंड ये एरिया भाई इतना मस्त लग रहा है, अभी इंटीरियर तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बट हाँ मैंने डिसाइड किया कि ये वाला जो एरिया होगा ना जो टावर वाला होगा यहाँ पे हम अपना स्टोरेज करेंगे, इधर पे थोड़ा फर्नेस वगैरह लगाएंगे बिकॉज ऑफ कोर्स माइन एंट्रेंस है, माइन में तो फर्नेस का काम पड़ेगा ही, तो अपने जितने ही फर्नेसेस वगैरह हैं वो सारे इधर शिफ्ट कर देंगे। मे भी हो सकता है शायद मैं एक ऑटोमेटिक स्मेल्टर बनाऊँ, छोटा सा एकदम छोटा जो स्मेल्टर होता है ना एक ऑटोमेटिक वाला, वैसा टाइप कुछ बनाऊँगा इधर। एंड अपना जो स्टोरेज है वो मैं यहाँ पे दोनों साइड पर रखूँगा, तो देखते हैं कैसा होता है। भाई तुम लोगों को कैसा लग रहा है ये बताना। एंड इसके जो ये जो कोन्स है ना ये मैंने नए नए बनाने सीखे हैं, अगर मैं देखता हूँ एक मैं डिस्क्रिप्शन में अगर हो पाएगा तो लिंक डाल दूंगा कि मतलब मैंने जिनसे सीखा है, एक एंडीज योडा करके है उनसे मैंने सीखा है, और एक है एंडीज योडा का थोड़ा सा डिफरेंट है, दूसरा वाला मेरे को एक्चुअल नाम नहीं आता, मैंने देखा था, मैं उनका लिंक डाल दूंगा, उनका भी बहुत अच्छा था, तो देख सकते हो तुम लोग। एंड
अभी फिलहाल इसके बाद तो मैं तुम लोग को और दिखाता हूँ कि यहाँ मैंने क्या हुआ, क्राउच हो गया क्या? नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकते, तुम लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा बहुत विलेजर्स को, जो मेरा ब्रीडर है उससे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। एंड लिटरली बता रहा हूँ, तुम में से किसी को भी क्या पता है कि एक विलेजर से बेड या फिर वर्क स्टेशन कनेक्ट होने का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये विलेजर्स खड़े हैं 1054 या फिर 1049 ऐसे पे, वो भाई 1150 के आसपास है। मैंने सुना है भाई 80 ब्लॉक्स पे कनेक्ट नहीं करते, ये ऑलमोस्ट 100 ब्लॉक से ये फिर भी कनेक्ट कर रहा है। मेरे दिमाग का भाजी पला हो चुका है, कसम से बता रहा हूँ भाई। एक हद होती है इतना दूर भाई, ये तब भी वहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर रहा है, कसम से बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई। एंड हाँ, यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत विलेजेस पकड़ के रखे, बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग पिछली बार की तरह इस बार फूड शॉप खोलने वाले हैं। पिछली बार तो खोला था, खोलते ही सर्वर बंद हो गया भाई, क्या ही बताऊँ, कांड हो गया था हम लोग साथ। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं 3 विलेजर्स हैं। एंड मैं थोड़ा बहुत खाना जमा करना शुरू कर चुका हूँ, ये सिर्फ मैंने कल रात में 10-15 मिनट किया था, 10-15 मिनट के एक्चुअली टाइम लगता है, वो 10-15 मिनट लगता है खेलते खेलते। एंड यहाँ पे एक मैं लेक्टर्न रखने वाला हूँ, लेक्टर्न कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये कौन होता है, लाइब्रेरियन। तो एक्चुअली मेरे को अनब्रेकिंग 3 की बुक्स चाहिए रहेंगी इसके लिए। तो भाई कसम से बता रहा हूँ, ये लाइब्रेरियन जितना परेशान कर रहा है ना मुझे, कसम से भाई किसी ने नहीं किया, भाई कसम से बता रहा हूँ किसी ने भी नहीं किया भाई। ये हर दूसरे ट्रेडर मेंडिंग दे रहा है, अनब्रेकिंग 1 तक नहीं दिए इसने और हर दूसरी ट्रेड पे मेंडिंग दे रहा है ये। अब अनब्रेकिंग 3 क्यों चाहिए वो मैं बाद में बताऊंगा, बट भाई प्लीज प्लीज दे दे, प्लीज दे दे भाई, अनब्रेकिंग दे दे। लाइक एंड सब्सक्राइब करो, टैप दूंगा बुक। ओके ठीक है भाई, अगर कुछ कह रहा है वो तो भाई सुन लो तुम लोग, एंड दे दो भाई, कर दो यार, मुझे अनब्रेकिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे को अनब्रेकिंग। तो अभी फिलहाल तो ये तो हमारा बन चुका है, बट हाँ बिल्डिंग का काम अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करना है कि ये वाला जो एरिया है अभी, इसमें तुम लोग देख सकते हो ये है मेरा मेन जो बेस होने वाला है, जो कि इस बार का एकदम ओपीएस्ट कैसल होने वाला है। मतलब एक अलग ही थीम चूज़ किया है हम लोगों ने, आई होप कि बस तुम लोग को एकदम परफेक्ट लगे, अच्छा सा लगे, सुंदर सा लगे, सब कुछ एकदम मस्त लगने का है। अभी इधर से पाथ वाथ भी कनेक्ट करना रहेगा मेरे को ये, और इसके पीछे हम लोग का इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट अभी हम लोग बिल्डिंग पे ध्यान देते हैं। एंड एंड स्टोन वगैरह कुछ भी लाने का तो है नहीं हम लोग को, बिकॉज बहुत सारा एंड स्टोन आया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो एंड स्टोन है। एंड ये तो मतलब मुझे मुफ्त में दिया है, क्या नाम है उसका, माइनों ने। एंड उसके सिवा यहाँ पे बहुत सारा एंड स्टोन पड़ा है, थोड़ा बहुत कचरा भी है। एंड ये जो है यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैग्मा ब्लॉक से भाई, ये इन्फिरॉक्स ने दिया है भाई। इन्फिरॉक्स भाई बहुत ज़्यादा मदद करता है भाई, सीरियसली बहुत अच्छा बंदा है। एंड वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो बड़ा सा एक जो है उसके ऊपर ये लगाना है, ये स्क्विड फार्म के लिए। तो अभी हम लोग डायरेक्ट पहले तो इसको बनाना शुरू करते हैं, सो लेट्स गो। तो एक्चुअली देखो ये है मेरा मेगा बेस का एरिया, एंड इसमें हम लोग बस अभी भर रहे हैं बिकॉज ये एरिया अभी मैंने मतलब 15 की हाइट दिया है, कुछ डिटेलिंग नहीं किया है अभी। तो ये बहुत गंदा लग रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत गंदा लग रहा है ये अभी। बट उम्मीद मत हारो, मेरे सारे बिल्ड शुरुआत में बहुत ही अजीब से लगते हैं, बट पता है तुमको एंडिंग होते होते बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो वैसे इसके साथ भी होने वाला है, अब जब मैं इसमें डिटेलिंग वगैरह दूंगा। एंड ये तुम लोग एक तरीके से कह सकते हो, तुम लोग सीख भी सकते हो इससे, क्योंकि कैसे एक बिल्ड को शुरुआत करते हैं, उसके कैसे उसमें डिटेलिंग देते आते हैं, ये एक जो पूरी प्रोसीजर है इसी में ही सबको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। एंड इससे मुझे भी दिक्कत आती है ऑफकोर्स, तो हम लोग भी इसे करने वाले हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि हमारे पूरे इस प्रोसीजर को तुम लोग देख पाओ, तो भाई सब्सक्राइब कर देना यार, है ना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अभी हम लोग इसमें डिटेलिंग करना स्टार्ट करें, उससे पहले हमको बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए। एंड मैं तो ये बस एरिया मार्क करने के लिए कर रहा था। तो अगले वाले में हम लोग को पहले तो ये डाई फार्म बनाना पड़ेगा, बिकॉज डाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो कि हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है।
मतलब ब्लैक डाई बहुत ज़्यादा लगने वाली है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना इस टाइम, बिकॉज ये पूरा बिल्ड जो है मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। एंड ये मतलब मेरे अभी तक के शायद सबसे बड़े और सबसे अच्छे बिल्ड्स में से ही है। ऑफकोर्स इतना बड़ा बिल्ड तो मैं जनरली करता ही नहीं हूँ, तो ये सबसे अच्छे बिल्ड्स में से ही है। तो ध्यान रखना कि सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, बता देना अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं बीटा खेलूँ, तो मैं बीटा खेलने वाला हूँ, मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है। एंड बीटा से मुझे थोड़ा काम भी है, तो जो माइनक्राफ्ट का बीटा है वो हम लोग खेलना स्टार्ट करेंगे। अगर तुम लोग बताओगे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि वीडियो चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए गेमिंग एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, एंड लाइक ज़रूर करना, मुझे अनब्रेकिंग चाहिए।